आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के जो आज ट्रेंड है वो काफ़ी बड़े रिवर्सल इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। और आज देखें तो 4% की तेजी अगेन दिखी है। हमने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जिस प्रकार से स्टॉक ने 228-300 के लेवल को रिस्पेक्ट करे कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बुलिश है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करें जब तक 228 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है। इसके सेम हमने ये भी कहा कि अगर स्टॉक 252 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी बड़े ट्रेंड दिखेंगे। हो सकता है कि 224 252 के लेवल पे अगेन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यानी सप्लाई आते हुए दिखे, तो एग्रेसिवली अभी भी नहीं जाएंगे। इन्वेस्टेड हैं तो ठीक है, लॉन्ग बने रहें। 252 के ऊपर ही जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको एवरेज आउट करेंगे, बड़े क्वांटिटी के साथ जाएंगे। इस समय टाटा पावर ही नहीं, पावर सेगमेंट के सभी स्टॉक काफ़ी ट्रेंड में रहे। आज बीएसई पावर में भी देखेंगे तो मोर देन 2% तक की तेजी दिखी। और हमने कहा कि पावर के कंजम्पशन जो है नेक्स्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर में 20 टाइम्स तक बढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से ईवी के हमने देखे कि ईवी सेल्स को लेकर के भी काफ़ी फेवरेबल नंबर दिख रहे हैं। आज इसके जो कंपोनेंट हैं सभी देखेंगे तो 6%, 2%, 3% के तेजी में है। इसके साथ ही एक खबर ये भी आई है कि पावर परचेज एग्रीमेंट जो है पीपीए 9 मेगावाट को लेकर के ऑन कैंपस सोलर प्लांट विद टाटा मोटर्स लिमिटेड फॉर पंत नगर प्लांट इन उत्तराखंड, कि टाटा मोटर्स से एक एग्रीमेंट आते हुए दिखे, ऑर्डर आते हुए दिखे। इसके साथ ही जो डिलीवरी है वो बेटर है और जो टेक्निकल ट्रेंड है वो भी स्टॉक में इस समय देखेंगे तो कंटिन्यूस पॉजिटिव दिख रहा है। एक बार 252 के ब्रेकआउट पे बड़े टारगेट 320 प्लस तक के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बाकी अगर ऐड करना हो, एवरेज करना हो तो 228, 218 जैसे लेवल जो कि रिवर्सल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है के लेवल्स पे आप एड ऑन कर सकते हैं।